जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ उसमें माता पार्वती ने शंकर भगवान से पंचाक्षर मंत्र की महिमा पूछी है। तब शिव जी ने उनको दीक्षा के बारे में बताते हुए पंचाक्षर के गुरु का व्याख्यान भी किया है, जो गुरु के कर्तव्य तथा शिष्य के कर्तव्यों को बता रहे हैं कि दीक्षा के प्रकार क्या हैं तथा उनका पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं आज की कथा, कालनाशक मंत्र, एपिसोड 7। दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। कालनाशक मंत्र। पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, कलयुग में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है। शरीर मन वाणी द्वारा प्रतिदिन पापी कृतघ्नि पुरुष भी पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भाव सागर से पार उतर सकते हैं। मतलब भगवान भोलेनाथ बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि कलयुग में जो भी प्राणी ओम नमः शिवाय का नित पाठ करेगा, जाप करेगा, उसको इस संसार से मुक्ति प्राप्त होके श्रीलोक की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति इस मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे नरक गामी हो जाते हैं। कलयुग में केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय। दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आप मुझे उत्तम शिव संस्कारों का विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। उपमन्यु बोले, छह मार्ग शुद्ध कर लेने को संसार कहते हैं। जिस संसार से ज्ञान की प्राप्ति हो और पांच बंधनों का विनाश हो वह संस्कार दीक्षा कहलाता है। दीक्षा तीन तरह की होती है, संभावी दीक्षा, दूसरी शक्ति दीक्षा और तीसरी मातृ दीक्षा। ये तीनों दीक्षाएं संभावी दीक्षा गुरु दर्शन और स्पर्श भाषण आदि से पाप विमोचन बताई गई है। संभावी दीक्षा तीव्र भेद से दो प्रकार की होती है, जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाएं वह तीव्र तथा जिसके द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए वह तीव्रतर दीक्षा कही जाती है। गुरु योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाती है वह मैत्री दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की भली प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र दीक्षा प्रदान करे, ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करे, शिष्य गुरु की संगत में रहे और उन्हें शिवजी का ही स्वरूप समझे। ओम नमः शिवाय।